तो आप वो परफेक्ट गाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वो गाना नहीं बना पा रहे हैं, कैसा लगेगा आपको अगर मैं कहूँ कि आपको बनाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज, ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से आशा करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। 2022 में विद द एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एक्सेस ऑफ मशीनरी, क्योंकि हर किसी के पास वो टूल्स हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो परफेक्ट गाना बनाए जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट हो, एग्जैक्टली टाइम्ड हो, ट्यून्ड वोकल्स, टाइम्ड वोकल्स, पर उस एक्सप्रेशन का क्या? सो लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि परफेक्शन इज अ मिथ। आप शायद म्यूजिकल जीनियस है, आपको सारी चीज़ें पता है म्यूजिक के बारे में, आपने बहुत मेहनत से एक गाना बनाया और आपने प्रेजेंट किया, लेकिन मुझे वो गाना पसंद नहीं है क्योंकि म्यूजिक सब्जेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो टेस्ट है वो एग्जैक्टली आपका टेस्ट हो, जो आपका टेस्ट है वो एग्जैक्टली मेरा टेस्ट हो। सिमिलरली आप बहुत इंस्टेंसेज ऐसे देखेंगे जहाँ पे पोली रिकॉर्डेड वीडियो तरीके से रिकॉर्ड भी नहीं हुआ है, जैमिंग वीडियोज, ऐसे वीडियोस जहाँ पे तरीके से चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्डेड नहीं है, वोकल कहीं पे आउट ऑफ ट्यून है, इंस्ट्रूमेंट जगह पे नहीं है, वैसे वीडियोस भी बहुत वायरल हो जाते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, उनको लूप पे सुनते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, पुराने गानों के बारे में बात करते हैं। बिफोर डिजिटाइजेशन, नो वंडर दे वर फिनोमिनल सिंगर्स, फिनोमिनल आर्टिस्ट, जैसे कि आपके रफ़ी साहब हो गए, लता जी हो गई, बहुत अमेजिंग सिंगर्स थे, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो कभी आउट ऑफ ट्यून नहीं गाते थे? वेल द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको एक चीज समझना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 440 हर्ट्ज जो स्टैंडर्ड है वहां पे ट्यून होता है, और क्योंकि पुराने दिनों में ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स लाइव रिकॉर्ड होते थे, ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते थे ज्यादातर, आपके DAW में काम नहीं होता था ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये बहुत कॉमन है, ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा ट्यून पे नहीं रहते हैं। कभी कोई इंस्ट्रूमेंट 339 हर्ट्ज हो गया, कोई 441 हर्ट्ज हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट 442 हर्ट्ज हो गया, तो इसकी वजह से क्या है, जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड हो जाता था, वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड्स है वो काफ़ी वाइड हो जाता था, ट्यून का जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड हो जाता था। नाउ वन ऑफ दोज लेजेंडरी सिंगर्स आते हैं और उस पर वो वोकल्स करते हैं, और किसी जगह पे अगर वो बाय चांस थोड़ा सा ऑफ भी चले गए, आउट चले गए, आपके कानों में वो ज़्यादा नहीं खटकता है, सिंपली बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो उनको बैक कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स का स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड है, आपके कानों में इतना फर्क सुनाई नहीं दे रहा है। नाउ बैक टू 2022, जब सब कुछ डिजिटल हो चुका है और हर चीज़ कंप्यूटर पे बन रहा है, एवरीथिंग इज सेट टू 440 हर्ट्ज, परफेक्टली 440 हर्ट्ज। अगर कोई भी अच्छा आर्टिस्ट आके भी गाए और 440 से 339 हर्ट्ज चले जाए तो आपके कानों में बहुत ज़्यादा वो सुनाई देता है कि अरे आउट ऑफ ट्यून हो गया। इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि हम ह्यूमंस परफेक्टली इन ट्यून ऑल द टाइम नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। यूके का एक बहुत फेमस बैंड है, बहुत रिकॉग्नाइज बैंड है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंड है, उनका नाम है रेडियोहेड, और उनका एक गाना है जिसका नाम है हाउ टू डिसअपीयर कंप्लीटली। तो जब आप इस गाने को सुनते हैं, ये एक डी मेजर के स्केल में गाना है, और जो बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है वो है स्ट्रिंग अरेंजमेंट, और ये स्ट्रिंग्स को अगर आप सुने तो डी मेजर के स्केल में एक डी नोट, लो डी नोट प्ले हो रहा है, एक ए नोट प्ले हो रहा है, साथ में एक ए शार्प नोट प्ले हो रहा है, जो ऑब्वियसली डी मेजर के स्केल में नहीं है। इस तरीके से गाना प्रोग्रेस होता है और स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी बाहर जा रहा होता है स्केल से, और वापस आ रहा होता है, वापस बाहर जा रहा होता है, टिल अ पॉइंट की गाना पूरा कम्प्लीटली मेस है। और फ्रेंकली ये जो स्ट्रिंग अरेंजमेंट है ये गाने को इंटरेस्टिंग बनाता है, यही गाने को खूबसूरत बना रहा है। इवन इफ अगर आप लिरिक्स को सुने जाके, जो थॉम योर्क जो वोकलिस्ट है रेडियोहेड के, वो जो गा रहे हैं वो अपने डार्क फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, किड ए के टूर के दौरान उनके साथ जो डार्क फेजेस थे उनके बारे में वो बात कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रिंग्स है जो आउट ऑफ ट्यून बार बार जा रहे हैं ये एक्चुअली जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, ये गाने को एक्चुअली और खूबसूरत बना रहा है। तो सौ बात की एक बात, मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, म्यूजिक इज अ एक्सप्रेशन, इट्स अ इमोशन बिफोर एनीथिंग एल्स। कुछ भी करेक्ट या रॉन्ग होने से पहले म्यूजिक एक जरिया है जहाँ पे आप एक्सप्रेस करते हैं। हम ह्यूमंस परफेक्ट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और इसमें कोई घबराने या शर्माने वाली बात नहीं है कि आप उस चीज़ को अपने आर्ट में दिखाएं। अगर आप उन इम्परफेक्शंस को अपने आर्ट में
रिक्रिएट कर सके, अगर आप उन इम्परफेक्शंस को दिखा सके, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लोगों का ये भी एक गलत पर्सपेक्टिव है कि रिकॉर्डिंग एक आर्ट है जहां पे आप चीजों को अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, वो सुपर फाइन सुपर पॉलिश प्रोडक्ट बनाते हैं, जो ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग एक आर्ट है जहां पे आप उस एक्सप्रेशन को कैप्चर करते हैं, इसको आप एडिट नहीं करते। रिकॉर्डिंग वो आर्ट नहीं है जहां पे वो शाइनी डायमंड आप बना रहे हैं, इसको आप एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करते हैं जिससे आप अपने एक्सप्रेशंस को कैप्चर करते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो परफेक्टली ट्यून्ड वोकल्स है, परफेक्टली टाइम इंस्ट्रूमेंट्स है, परफेक्ट चीजें जो है, ये एक्चुअल आपका वो परफेक्ट साउंड बनाता है, जो रियलिटी नहीं है। इवन सेम लोगों को अगर आप कहें, वो शायद उस परफेक्शन से उस काम को नहीं कर पाए। ऑब्वियसली लोग बहुत स्किल्ड हैं, बहुत प्रैक्टिस है, इस वीडियो का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूं, पर इम्परफेक्शंस आर ब्यूटिफुल अगर आप उनको कैप्चर कर सके, अगर आप उन चीज़ों को समझ सके कि कितनी खूबसूरत होती है वो जो ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं, तो शायद आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लास्टली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने प्रैक्टिस करना ना छोड़े, आप अपने क्राफ्ट पे काम करना ना छोड़े, आप और बेहतर होएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उस परफेक्ट साउंड की तलाश करें। रैदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप जैसे हैं, आप जिस तरीके से भी हैं उसको आप कैप्चर करें, उस आर्ट को कैप्चर करें। ये था मेरा वीडियो जहाँ पे मैं आपको बताया था कि आपको शायद वो परफेक्ट गाना बनाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।